What a match that was, and क्या शुरुआत हुई है इस टूर्नामेंट की। जी हाँ, मेरा नाम है आरजे वैभव और आपके साथ लेकर आ गए हम यहाँ पर सुपर एनालिसिस लखनऊ सुपर जायंट्स, एंड वी आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स एज वेल। कल का पहला मुकाबला लखनऊ वर्सेस गुजरात। मेरे साथ आज इस सुपर एनालिसिस में जुड़ रहे हैं अमार इज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, क्रिकेट एनालिस्ट। अमार, कैसा रहा कल का मैच? बहुत जबरदस्त मैच, दोनों टीम के लिए जो पहला मैच था वो बहुत ही शानदार हुआ। मुझे लगता है कि 20वें ओवर तक मैच का रिजल्ट आना जो है अपने आप में बताता है कि मैच बहुत एक्साइटिंग था। ट्रूली अगर आप देखोगे ना पूरे मैच के डायनामिक्स अगर आप देखोगे तो शुरुआत से लेके अंत तक वो एनर्जी मेंटेन रही। पहली बार ये दोनों फ्रेंचाइज खेल रही थी, ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। एंड पहला मैच दोनों के लिए जबरदस्त प्रेशर, दोनों कैप्टन्स के लिए, क्योंकि कैप्टन से भी पहली बार कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार चीज थी। अच्छा, एक बड़ी राइवलरी भी थी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के सामने था। केएल राहुल वाज अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, एंड एक भाई दूसरे भाई के सामने था। तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच था दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। जो सिचुएशन में एक टाइम पे लखनऊ था, 19 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर जो पारी जो है दोनों प्लेयर्स ने जो है आगे लेके गए और 116 रन तक पहुंचाया, तो वो सिचुएशन पे लखनऊ को आके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया कि यहां से एंड हम 61-60 तक के टारगेट को दे पाए। ट्रू, अगर आप उसी में देखो ना तो वो नया प्लेयर आयुष बडोनी, मतलब बडोनी ने जबरदस्त बैटिंग की है, मतलब उतने क्लास दिखा था कि आप अंडर प्रेशर, आप शुरुआत में मैं देख रहा था 28 बॉलों में लगभग 17-18 रन थे, लेकिन वहां से जो पेस किया है ना, किसी भी प्लेयर के लिए पहले मैच में आके 41 बॉल्स में इस तरह से जो 50 रन बनाए हैं वो बहुत ही शानदार। ट्रू, यस, दिस इज द टाइम सुपर मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जो मैच में आप भूल नहीं सकते। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी खास था हमार, व्हाट्स फॉर यू? मेरे हिसाब से मैच का सुपर मोमेंट है जब दोनों भाई आमने सामने पहली बार एकदम से ऐसा लगा ना कि भाईचारा गले ही मिल लेंगे, क्योंकि इससे पहले टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, साथ में भी खेल चुके हैं, लेकिन ये पहला मोमेंट ऐसा था जो दोनों भाई एक दूसरे के सामने आमने सामने, तो दोनों सबको लग रहा था कि देखते हैं क्या ये आउट कर पाएगा या हार्दिक पांड्या इसको छक्का मार। और मुझे लग रहा है वो बराबर था, मतलब जो हार्दिक पांड्या को आउट किया है 10.1 में, वहां से मैच भी चेंज किया, मैच का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो टिक जाता तो एक बहुत लंबा आप जल्दी जाते। ट्रूली तो दोनों भाइयों का जो बैंटर था दैट वाज अमेजिंग, जो प्रेम था दैट वाज अमेजिंग। सुपर प्लेयर हमारा वो सेगमेंट है जहां पर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस, चाहे वो अंडर प्रेशर हो या फिर मैच को बदलने के लिए हो, किस प्लेयर ने दिए। अमार, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर देखें तो किस प्लेयर को देखने लगा कि यार ये प्लेयर हमारा सुपर प्लेयर है? मेरे हिसाब से वैभव, सुपर प्लेयर दीपक हुड्डा होना चाहिए। जिस सिचुएशन में लखनऊ को बाहर निकाला, 29 पर 4 विकेट हो गए थे, एक बहुत ही शानदार टोटल तक लेकर गए, और बॉलिंग में भी जो है वो कमाल दिखाया, ये जो विकेट निकाला था मैथ्यू वेड का। एंड उससे पहले आप देखो ना तो कैप्टेंसी भी बड़ी गजब रही कि जैसे ही दोनों लेफ्ट हैंडर्स आए उन्होंने कृणाल पांड्या को हटाया और दीपक हुड्डा को लेकर आए कि आओ लेफ्ट हैंडर को चटका। बिल्कुल। अच्छा, एक और प्लेयर है जो मुझे लगता है सुपर प्लेयर बनना चाहिए, वो है आयुष बडोनी। मैं तो मुझे पता है इससे पहले मैं उनकी बात कर चुका हूँ, बट इतना इम्प्रेसिव रहा ना उनका जो डेब्यू था, लाइक एक डोमेस्टिक प्लेयर आकर इतनी परिपक्वता, नया टूर्नामेंट पहला मैच, डेब्यू, सब कुछ नया, शानदार खेलना बहुत बड़ी बात है। और एक और प्लेयर जिसे मैं ऐड करना चाहूंगा इस पूरे डिस्कशन में, दैट वाज मोहम्मद शमी, लाइक स्विंग सीम जबरदस्त ओपनिंग स्पेल। और अमार, व्हाट डू यू थिंक, सो अगले मैच में जब चेन्नई के खिलाफ लखनऊ खेलने के लिए उतरेगा, दोनों टीमों को हम देख चुके हैं, तो तीन प्लेयर आपको जो लगता है कि परफॉर्म 100% करने वाले? मुझे लगता है कैप्टन इस बार जरूर परफॉर्म करेंगे, केएल राहुल, ओके, वन एंड मैं दीपक हुड्डा पे फिर से जाना चाहूंगा, और तीसरा चमीरा, दुश्मन था चमीरा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, विकेट भी शुरू में 2 निकाले थे, ओपनिंग्स को ओपनर्स को आउट किया है, तो मुझे लगता है मैं इसके साथ इन तीन प्लेयर्स के साथ जाना चाहूंगा। अगर मेरे तीन प्लेयर्स की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली कैप्टन केएल राहुल, ही इज अमेजिंग, मतलब उनका जो फॉर्म है आप पिछले सीजन को उठाकर देखें, 500+ रन हर बार इन्होंने बनाए, तो ही इज इन अ ग्रेट फॉर्म। और दूसरा प्लेयर मैं जाना चाहूंगा क्विंटन डिकॉक, क्योंकि ये प्लेयर है, ये आके फोड़ने वाला है, मारने वाला है, कल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला था, लेकिन आने वाले टाइम में ये चौंकेगा।
और तीसरा प्लेयर मैं आवेश खान को ग्रूम होता हुआ देखना चाहूंगा, तो उम्मीद है कि वहां पर मुझे लग रहा था तुम आवेश का नाम क्योंकि वो एक होता है ना रॉ टैलेंट है आपका, पिछले कई दिनों उन्होंने करके दिखाया हुआ और इस बार भी वो करके देखते हैं। चलिए तो एक प्लेयर तुम दोनों का कॉमन है, यस केएल राहुल। बाकी आप भी अपने बताइए कमेंट सेक्शन में जाइए। दैट वाज द एनालिसिस फ्रॉम अस, आपको कैसा लगा मैच जरूर बताइएगा और अगले मैच में कैसे सपोर्ट कर रहे हैं चेन्नई और लखनऊ सुपर जायंट्स। यहाँ पर दो जायंट्स बैठे हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए।